फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल स्ट्रीट फूड जायका में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब? तो बताओ, मैं आज क्या बनाने वाले हैं? आज बनाने वाले हम झटपट आम का अचार। तो आज अम्मी बनाने वाले हैं आम का अचार। अम्मी, आम का अचार बनाएगी या कैरी का? हाँ, कच्ची कैरी का अचार। कैसा है ना, अचार बहुत वेराइटीज में आते हैं। आम का अचार, नींबू का अचार, मिर्ची का अचार, मूली का अचार, लहसुन का अचार, करवंदे का अचार। बस अम्मी, बस अपन बेचने नहीं खड़े, बहुत सारे अचार आते हैं। अभी एक एक गिनेंगे तो अम्मी, अम्मी तुम ये झटपट वाला बना रहे हैं ना, फटाफट वाला? झटपट वाला बनाएंगे हम, ताकि ये एक महीने तक या 15-20 दिन तक आराम से खा सके। ये सालों साल रखने वाला अचार बिल्कुल नहीं, यानी कि जितना जल्दी ये बनेगा उतना ही जल्दी से खा के भी खत्म कर। वैसे अम्मी, तुम वो धूप वाला अचार क्यों नहीं बना रहे जो ने सो धूप में रखते हैं? देखो, हमारे पास आंगनबाड़ा, टेरिस ये सब नहीं है यहाँ पे। अब कैसा, घर में धूप भी बहुत कम आती है और उसको कैसा है, पूरा टेरिस पे चादर डाल के सुखाना पड़ता है। अभी हमारे यहाँ ऐसा एरिया नहीं है खुला खुला जहाँ हम अपने अचार जाके सुखा सके। हाँ। एक कपड़ा डालते तो बोलते आंटी यार कपड़ा हटा तो हमें डालना है। हाँ, और सुखाने डालेंगे तो बिल्लिया वगैरह सब कुदिया मारती है सब, है ना? तो इसके वजह से यहाँ पे सुखाने की जगह नहीं है। इंशाल्लाह मैं आप लोगों को वो अचार यहाँ पे अपने किचन पे पंखे के अंदर सुखा के 24 घंटे 48 घंटे कैरी को सुखा के आपको बना के जरूर बताऊंगी। ठीक है, तो चलो अभी नजर मारते हैं इंग्रेडिएंट्स पे। क्या जमी कच्चे आम का अचार बनाने के लिए क्या क्या लेंगे? चलो, तो सबसे पहले लेंगे हम कैरी, अखा धनिया, सो जीरा, राई, मेथी दाना, लहसुन, कलौंजी, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्ची, तीखी वाली लाल मिर्ची, चाट मसाला, हींग, शक्कर, नमक, तेल। तो चलो शुरू करते हैं बिस्मिल्लाह करके। तो सबसे पहले हम क्या कर लेंगे, कैरियों को कट कर लेंगे। यहाँ पे मैंने कैरी लाई हूँ, धो के इसको अच्छे से पोंछ दी हूँ, इसको मैं कट कर लूंगी। तो कितनी कैरी का बना रहे हो? ये तो मैं आधा किलो की बना रही हूँ बेटा, है ना, ज्यादा नहीं बना रही हूँ, सिर्फ आधा किलो। और इसके हम छोटे छोटे पीस कर लेंगे। तो यहाँ पर मैंने सब कैरियों को इस तरीके से काट ली हूँ। अब हम इसके ये जो गुठलियाँ हैं ये इसको निकाल लेंगे और इसको कट कर लेंगे। अब ये अपने हिसाब से कट करना है, जितना बड़ा चाहिए जितना छोटा चाहिए आपको वो हिसाब से, ठीक है? क्योंकि इसको हमको रखना नहीं है, गला लेना है ताबड़तोड़। इसके लिए हमें, तुमको कौन सा अचार पसंद है? मुझे तो सभी अचार अच्छे लगते हैं, बहुत पसंद है मुझे अचार। तो यहाँ पर मैंने कैरी अच्छे से कट कर ली हूँ, ठीक है, इस तरीके से। हमारी ये छुरी से हमारा काम नहीं बन रहा था तो हमने ये कोयता लेके उसको सट सट मार दिए। कोयता? हाँ, ठीक है। क्योंकि देखो ये कैरी जो होती है ना, ये दराती से अच्छे से कटती है। अचार वाला ये कैरी वाला खुद काट के देता है, हम बोलेंगे ना अचार डालने का है तो वो खुद कट करके देता है। अभी हमारे पास वो नहीं है ना दराती जो गाँव में कटती है, तो हमने ये इससे काम चला लिए, ठीक है। तो हमने ये अच्छे से काट लिए है। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पे जो मसाले लिए हैं ना हमने, ये सौंफ, राई, अखा धनिया, जीरा और ये आधा चम्मच जो हमने मेथी दाना लिए है, बाकी ये सब एक एक चम्मच है। और सिर्फ अखा धनिया है ये जो 2 चम्मच है, ठीक है, और ये राई है जो सिर्फ आधा चम्मच है मेथी दाना। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहला इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको थोड़ा सा हल्का सा फ्राई कर लेंगे, भून लेंगे बिना तेल के, ठीक है, एकदम स्लो आंच पे, थोड़ी सी खुशबू आए तक इसको भून लेंगे, ताकि थोड़ा सा कुरकुरा हो जाए तो हमको दरदरा सा पीसने में आ जाए। इसका पाउडर नहीं बनाना है एकदम बारीक, इसको दरदरा सा पीसना है। बहुत से लोग डालते हैं बारीक भी डालते हैं, किसको बारीक मसाला पसंद आता है एकदम, लेकिन मुझे अचार में थोड़ा सा दरदरा मसाला पसंद आता है, ठीक है। तो मैं इसको एक मिनट के लिए थोड़ा सा अच्छे से भून लेती हूँ। तो हमें तुम गोश्त का अचार भी बना सकते थे? हाँ, बना सकते थे, इंशाल्लाह जरूर बनाएंगे, बकरी ईद आ रही है ना, अभी बनाएंगे गोश्त का अचार भी बनाएंगे। तो यहाँ पर अच्छे से एक मिनट मैंने इसको भून ली हूँ, गैस कर देंगे बंद और इसकी खुशबू इतनी अच्छी आने लगी है ना माशाल्लाह। इसको भून के ना पीसेंगे तो इसकी खुशबू अलग ही आती है, इसके लिए इसको कच्चा नहीं पीसना, थोड़ा सा टेस्ट और बढ़ जाता है भून के पीसने में। क्या जाता है, 2 मिनट ही तो जाता है, है ना। अब हम इसको
थोड़ा 2 मिनट इसको ठंडा करेंगे और इसको दरदरा सा पीस लेंगे। तो यहाँ पर मैंने मसाला अच्छा दरदरा सा पीसी हूँ, ज्यादा बारीक नहीं करी हूँ इसको, ठीक है, एकदम हल्का सा जाड़ा रखी हूँ ताकि ये थोड़ा सा मुंह में आए मसाला तो मुझे अच्छा लगता है। तो यहाँ पर हमने कढ़ाई चढ़ा दिए है जिसमें हम डालेंगे 200 ग्राम तेल। कौन सा तेल है, काला? नहीं रे बेटा, काला नहीं, इसको बोलते राई का तेल। अच्छा है ना, राई के तेल में ही अच्छा लगता है। मैं देखो आप लोगों को कभी नहीं बताई राई के तेल की कोई डिश, लेकिन जो अचार है वो सही में राई के तेल में अच्छा बनता है और अच्छा लगता भी है। इसको होने देंगे थोड़ा सा गरम। तो यहाँ पर तेल हमारा अच्छे से गरम हो गया है, सबसे पहले डालेंगे हम इसमें हींग। हींग डालने से खुशबू अच्छी आ जाती है। इसमें मैं डालूंगी कलौंजी, इसी के साथ मैं इसमें ऐड करूंगी ये लहसुन। कितना लहसुन है? ये एक डल्ली लहसुन है, कम ज्यादा अपने हिसाब से आप कर लेना। ये लहसुन मेरे मुंह में आते हैं तो मुझे बड़ा मजा आता है, मुझे पसंद भी है लहसुन खाना, इसके लिए मैं ऐड करी क्योंकि इसके बहुत सारे फायदे होते हैं, ठीक है। लहसुन को हमने अभी 1 मिनट थोड़ा सा पकने दिए है, अब हम इसमें ऐड करेंगे ये कैरी। इसको धीमी आंच पे हम 1-2 मिनट अच्छे से ढक के पकने देंगे। ये आधा किलो कैरी है ना? ये आधा किलो कैरी है, इसमें गुठली नहीं निकली है ज्यादा, 2 गुठली निकली है, 2 नहीं निकली है। तो यहाँ पर 2 मिनट हो गए हैं और हमारी कैरी थोड़ी सी हल्की सी पक चुकी है 2 मिनट के अंदर, है ना। अब क्या करेंगे हम इसमें नमक ऐड कर लेंगे। तो यहाँ मैं 2 चम्मच नमक ऐड कर रही हूँ इसमें। ये नमक से खारा बिल्कुल नहीं होने वाला है, ठीक है। अब डालूंगी मैं इसमें 1 चम्मच भर के हल्दी पाउडर, 1 चम्मच भर के कश्मीरी लाल मिर्ची, 1 आधा चम्मच डाल रही हूँ मैं तीखी वाली लाल मिर्ची, और 1 चम्मच डाल रही हूँ मैं यहाँ पे चाट मसाला और धनिया पाउडर। इतने मसाले जाते हैं अचार में? बहुत मसाले पड़ते हैं समझा, ये कुछ भी नहीं है, ये तो अभी मैं चलो झटपट वाला बना रही हूँ, नहीं तो और ढेर सारा मसाला पड़ता है जो सालों साल चलने वाला जो रहता है उसमें तो और ढेर सारे मसाले पड़ते हैं, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसी के साथ हम इसमें ये जो हमारा पीसा हुआ मसाला है ना दरदरा सा, ये भी हम इसमें ऐड कर लेंगे। अब किसी किसी को देखो कैरी खाना पसंद होता है, लेकिन हमारे घर में इसके अब्बा कैरी हटा के मुझे मसाला दे 1 चम्मच बोलते हैं, है ना, सुना के नहीं? हाँ। कैरी हटा दे, कैरी हटा दे, सिर्फ मसाला देना अचार का, ऐसा। तो ऐसा बहुत सारे लोगों को कैरी से ज्यादा कैरी का जो मसाला पसंद आता है, ठीक है। अब क्या करेंगे हम इसको फिर से ढक के 2 मिनट पकने देंगे धीमी आंच पे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 मिनट मैंने और पका ली हूँ। अब हम इसमें ऐड करेंगे ये 1 चम्मच शक्कर, ठीक है। अगर आप गुड़ डालना चाहते हैं तो गुड़ डाल सकते हैं, लेकिन अभी गर्म बहुत पड़ रहा है, मुझे गुड़ नहीं चाहिए, इसलिए मैं शक्कर ऐड कर रही हूँ, क्योंकि मैं शक्कर से घर में कई बार बना चुकी हूँ, मेरे बच्चों को इसका मसाला बहुत पसंद आता है खट्टा मीठा, इसके लिए मैं 1 चम्मच शक्कर ऐड कर रही हूँ। अभी अगर आपको और ज़्यादा दिन इसको रखना है, ज़्यादा दिन चलाना है, तो आप इसमें 2 चम्मच विनेगर ज़रूर डाल देना, वो आपका इसका जो लाइफ है वो बढ़ा देता है, ठीक है। मैं इसमें बिल्कुल ऐड नहीं कर रही हूँ क्योंकि ये थोड़ा ही है, मेरे घर में ये 2-4 दिन में खत्म हो जाएगा, 4-5 दिन के अंदर नहीं, अगर, मैं 10-15 दिन जाएगा। और अगर 1 महीने के लिए मुझे इसको रखना होता तो मैं जरूर इसमें 2 बड़े चम्मच भर के विनेगर ऐड कर लेती, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, चेक कर लेते हमारी जो कैरी है ये गली या नहीं। ये देखो कैरी मेरी अच्छी खासी अच्छी गल चुकी है, और जो इसकी ऊपर की जो परत है ना, ये जो हरी वाली, ये अभी अंदर हम बॉटल में जब डाल के रख देंगे ना तो ये भी सॉफ्ट हो जाएगी, ये अभी हल्की सी सॉफ्ट हो चुकी है, देखो बता रही यार, ये देखो है ना। तो इसको हमको नहीं पकाना है, हमारी अंदर की कैरी तो पूरी तरह से गल चुकी है। मैं अब गैस कर लूंगी बंद और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ा, इसको काय में रखेंगे, इसको अभी रखेंगे हम कांच की बर्नी में। तो ठंडा हो गया हमारा अचार यहाँ पर, अब हम क्या करेंगे इसको कांच की बर्नी में डाल के रख देंगे, ठीक है। लेकिन कांच की बर्नी भी हमने एकदम सूखी लिए है धो के, इसमें पानी नहीं रहना चाहिए, नहीं तो ये 8-15 दिन चलने से पहले 2-3 दिन में ही खराब हो जाएगा, ठीक है। इसमें झूठा चम्मच नहीं ऐड करना,
इसको पानी से बचाना, ठीक है। तो दोस्तों तैयार हो गया है अपना कच्ची कैरी का अचार। कच्ची कैरी का अचार, ये देखो मैंने बरनी में डालने के बाद आप लोगों को बताया ही नहीं, हमने वाटी में भी निकाल के रखे। ये देखो भाई, ये बरनी देख के ना मेरे को अपना बचपना याद आ गया। हम लोग वाटी लेके जाते थे, 1-2 रुपया लेके, है ना मैं। हाँ, अचार लेके आओ सूखा क्या होता है, खुला अचार ना। हाँ, छुट्टा अचार। एक अचार का पैकेट आता था, एक छुट्टा अचार खुला अचार आता था जो 1-2 रुपए में मिलता था, ऐसी बड़ी बर्ती रहती थी, और एक चम्मच ना पूरा अखा अंदर घुसता था, खाली उंगली पकड़ने की जगह रहती थी, हिलाते थे अचार डाल के देते। कौन कौन ऐसा बचपन में ना भाई अचार लेने गया, कमेंट करके जरूर बताना। हाँ, लेकिन ये अचार अगर आप बना रहे हो तो आपकी कैरी पूरी तेल के नीचे रहना चाहिए। हाँ, तेल आपके अचार के थोड़ा सा ऊपर आना चाहिए, इतना, तभी आपकी ये जो लाइफ है अचार की वो बढ़ेगी। अगर आप थोड़ा तेल कम डालेंगे तो वो सूखने लगेगा, खराब होने लगेगा। जितना आप तेल में डिप करके रखेंगे उतना अचार ज्यादा दिन अच्छा रहेगा। हाँ, ठीक है। देखो इतना हम लोग के घर में अचार बना रहे, कम से कम 1 हफ्ता चलेगा, है ना मम्मी। हाँ, हमारे घर में अचार बहुत खाते। हाँ, मैं मुझे छोड़ के मुझे खांसी हो जाती तो मुझे ना अचार की बरनी लाना बंद करना पड़ता। चलो अचार गायब। जीनी आपा तो बहुत खाती थी अचार, है ना मम्मी, कितना खाती थी। बाप रे, जीनी भी नूर भी दोनों वैसी है। तुम भी? नहीं, मैं नहीं खाती, मैं लिमिट में खाती हूँ। ये देखो भाई खिचड़ी क्या मस्त लग रही है, इसमें कोथमीर भर भर के डाले लिया मैंने। ये मूंग दाल की खिचड़ी है, घर में मैंने आज बोली बहुत ज्यादा गर्म हो रहा है तो ये अचार की वजह से खिचड़ी नहीं बनी हुई है, नहीं तो सोचेंगे कि ये, हाँ ये एकदम अचानक में हो गया। हाँ, भाभी को बोले ना हम लोग ने, भाभी खिचड़ी लेके आओ नीचे से। हाँ, तो बोलते अम्मी खिचड़ी के साथ अचार भी लाओ क्या। हाँ, आज हमारे पास अचार है। ये अचार बनाए बोल के खिचड़ी नहीं बनाए, ये अचानक में हो गया है। हाँ, घर में मैं बोली सबका पेट गरम गरम हो गया है, थोड़ा मूंग दाल की खिचड़ी बना, आज सब नॉर्मली सब वही खिचड़ी खाएंगे पतली। हाँ, वाली थोड़ा थोड़ा दे दो अभी। तो मैंने खिचड़ी बना दी और अब अचार बन गया। अब दे दो लो। अचार मसाला। देखो अचार जो नहीं भी खाता है बट उसके सामने से अचार आता है या फिर अचार बनता है ना, अपने आप मुंह में पानी आता है। मेरे तो पहले ही आ रहा है। यकीन मानो चाहे नहीं मानो, जब रेसिपी बन रही थी ना ये अचार की, तो मेरे मुंह में ना पानी आते ही जाता, इतना मैं शौक से खाता नहीं अचार। हाँ, लेकिन आप लोगों के भी मुंह में पानी आया या नहीं आया कमेंट करके जरूर बताना। अभी देखो पहले ना मैं क्या करो, अचार बनाए ना तो पहले अचार का मसाला तुम टेस्ट करो। ऐसा है अब मैं कर ले, इससे ही कर ले। एक नंबर मसाले तो दबा के डाले और चटपटा है, तीखा बिल्कुल नहीं है। ये आम के अचार की एक बात बता दूं मैं, मेरी बड़ी लड़की है ना, ये आम का अचार नहीं खाती है, जो उसका ऊपर का तेल रहता है ना वो लेके चावल में मिला मिला के खाती है। बिस्मिल्लाह। कैसी बनी खिचड़ी? हाँ मैं तो बोलूंगी एक हफ्ता भी मुझे नहीं लग रहा मेरे घर में चलेगा ये। ये देखो भाई पूरा मैंने ना ऐसा ना अचार का आम डाल दिए और साथ में खिचड़ी, ये देखो गुटली गुटली, ये देखो दिख रहा है, ये खिचड़ी पे ना फटे आम है अचार। अब आइए हम खाते हैं। बिस्मिल्लाह। मस्त बना है ना, मस्त। ये आम का अचार ना गल गया है, ये देखो मेरे चम्मच से कट गया है, बहुत अच्छे से गल गया है। और जो इसका ऊपर का जो छिलका है बहुत ही मस्त, ये 24 घंटे के अंदर पूरा नरम हो जाएगा, गल जाएगा एकदम तेल में और नमक में। गल गया, मैं नरम हो गया, है ना, बहुत मजे का लग रहा है। बहुत से लोग है ना अचार में गुड़ डालते हैं, अब शक्कर डालते हैं या नहीं डालते बहुत से लोग की पसंद अलग अलग है, लेकिन मैं शक्कर डाल के बनाती हूँ। आप लोगों को इस तरीके से ट्राई करके खा के बताना कि अचार कैसा लग रहा है। इसका जो मसाला है ना, मसाला एक नंबर लग रहा है। आप इस मसाले के साथ पूरी की पूरी 2-3 रोटी अकेले खा लेंगे बिना भाजी के। नहीं किसी को चेहरे का तो दे देना, अकेले मत खाना। नहीं नहीं, मैं पूरी गारंटी से बोलती हूं आप इस मसाले के साथ में रोटी खा लेंगे। इतना अच्छा बना है मसाला, सही में बहुत ही मस्त बना, जल्दी खत्म जाएगा फटाफट। क्या चाहिए यार, ये देखो बहुत से लोग अचार बनाते हो धूप में सुखा के, बहुत टाइम जाता है, ऐसे बनाओ झटपट और मोहब्बत है दिल में तो जरा आजू बाजू लोगों को भी बांट लिया करो, अच्छा लगता है। हाँ मेरे घर में कैसा ये झटपट वाला ज्यादा बनता है, वो जो सालों साल रखा जाता है वो जरा कम ही बनता है। कम क्या, अभी तो कई सालों से शायद बना भी नहीं, बच्चे छोटे थे, थोड़े थोड़े जरा जवाबदारी बढ़ते गई तो वो अचार बनना बंद हो गया। बढ़ता गया ना, शिजवान चटनी आ गई। हाँ फिर अचार का डब्बा आने लग गया, पैकेट आने लग गया। अचार का तो पहले से आता है डब्बा,
लेकिन कैसा है ना, जब टाइम निकाल लेती थी मैं तो बना भी लेती थी बच्चे छोटे थे तो। अब तो इन लोग का करते करते ही टाइम नहीं, बच्चे बोलते बड़े हो जाएंगे तो माँ बाप का काम कम हो जाता है, ये गलत फहमी मत पालना। बच्चे बड़े बड़े होते रहते उतना उतना बच्चों का काम बढ़ते, तुम्हारे बच्चे अभी भी बच्चे ही ना इसके लिए। बढ़ते ही रहता है। और मेन बात क्या है ना, तो काम भी बढ़ गया स्ट्रीट फूड जायका जब से चालू है, तो ये मेरा अचार वचार बना के रखना जरा कम भी हो गया। बड़ी बात होती है कंटिन्यू दो ढाई साल कंटिन्यू चैनल पे रहना, है ना मैं, माशाल्लाह 1 मिलियन होने वाला है। और हाँ, मुझे ना किचन में रहने की हैबिट है, हैबिट क्या बोलो, मुझे एक शौक है, शौक है मेरा सही बात किचन है। बोले तो मेरी जान है, यहाँ तक इसीलिए पहुँचे ना कि अम्मी का शौक है बनाना। और कहीं ना कहीं मेरा भी शौक है खाना। अम्मी एक ये तो खाना तो शौक है इसका। और फिर वो शूट वीट के मुझे मजा आने लगे वो सब कामों में, तो क्या हो यार, आप तभी आगे बढ़ते जो काम में ना आपको मजा है। ये बोला ना, ये काम नहीं है, ये मेरा शौक है। और मुझे ये बना के ना खिलाना बोले तो एक बहुत ज्यादा खुशी होती है, क्योंकि इसके बाप की वजह से मुझे ना खिला खिला के ना बना बना के खिला खिला के एक आदत सी हो गई है कि कैसा बना इस तरीके से, क्योंकि इसके अब्बा ना बहुत बड़े बाबरची होंगे शायद पिछले जन्म में। हल्दी भी ज्यादा हो जाएगी खाने में तो मालूम पड़ जाता है, जरा सा जीरा या अदरक लहसुन ज्यादा जब मालूम पड़ जाता है उनको, तो इतना मालूम पड़ जाता है ना, चखते बराबर समझ जाते हैं कि इसमें क्या कम है क्या ज्यादा है। तो सोचो मैं वैसे आदमी को एक से एक खाना बना के खिलाती हूँ, तो मेरे को सुधार आते 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 माशाल्लाह इतना सुधार आ गया कि मैं आप लोगों को बताने लग गई, है ना, इसी बात है। तो भाई अचार की रेसिपी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे वीडियो को लाइक कर दो, जो हमारे चैनल पे नया है तो तुम भी जरा शेयर करो, हाँ थोड़े आजूबाजू दोस्तों को शेयर करो जरा। तो भाई इस अचार की रेसिपी झटपट वाली है, तो आप भी अपने जरा रिलेटिव्स में शेयर करो भाई, क्योंकि देखो अभी मैंगो का सीजन चालू है, बहुत से लोग अपने घर पे लाके कच्चा मैंगो का अचार बना सकते हैं, तो फटाफट ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि सही में बहुत ही अच्छा और टेस्टी अचार बना है। झटपट के लिए क्या चाहिए, अभी देखो बहुत से लोगों को 24 घंटे 48 घंटे वो कैरियो को सुखा के शायद बनाने के लिए टाइम नहीं मिलता है, टाइम तो मिल भी जाता है बट जगह नहीं मिलती होगी आज के टाइम में, नहीं बना पाते। देखो मैं सिंपल बात बोलती हूँ, मुझे ही नहीं बना पा रही हूँ, मैं खुद नहीं बना पा रही हूँ, तो बहुत से लोग है जो नहीं बना पाते, तो ये अचार है जो झटपट वाला कोई भी बना सकता है ना, तो इसको 15 दिन 20 दिन रख के आराम से खा सकते हैं, महीना भर के बाद दूसरा बना सकते हैं, है ना। तो चलो अब चलते हैं, जाने से पहले मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कीजिए, इंस्टाग्राम की आईडी स्ट्रीट फूड जायका, मैंने मेरे कमेंट बॉक्स में पिन कर दिया, तो उसको ओपन करो और फॉलो करो, चलते हैं चलते हैं, तब तक के अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, दुआओं में याद रखना, अपना ख्याल रखना, थोड़ा सा शेयर भी करना।